देख रहे हैं सच दर्शन। देश की राजधानी दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, जहां लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। वहीं पानी को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। यह आज मंगलवार को कांग्रेस ने दिल्ली में बढ़ रहे पानी के संकट को लेकर राजेंद्र नगर में मटका फोड़ प्रदर्शन किया और दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं लोगों का कहना है कि पिछले 15 दिनों से पानी का संकट बढ़ गया है और अब उन्हें पीने के लिए भी पानी खरीदना पड़ रहा है। वहीं पानी के लिए सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को झेलनी पड़ रही है, जहां पानी के टैंकर के लिए 5,000 रुपए देने के बाद भी पानी नहीं मिल रहा। ऐसे में लोगों ने दिल्ली सरकार पर टैंकर माफियाओं को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। आज इसकी शुरुआत श्री अजय माखन जी ने राजेंद्रनगर क्षेत्र से की है, जहां पिछले 15 दिन से लगातार पानी की इतनी गंभीर समस्या है कि सुबह पानी आता है तो रात को नहीं आता, रात को तो सुबह भी नहीं आता। लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं कि शायद पानी की टैंक में से पानी निकल आए और पूरी रात जाग कर फिर भी पानी नहीं आ रहा। और कांग्रेस पार्टी इसके अंदर पूरी तरीके से पब्लिक के साथ है और इस लड़ाई को हम लोग पूरी तरह से सड़कों पे आने वाले समय में लड़ेंगे। मैं कहता हूँ सबका सिस्टम प्रदर्शित दिल्ली सरकार है, कोई पानी नहीं दे रहा। हमने वोट आपको दिया था, आपने आपकी नैतिक जिम्मेवारी है कि पानी कैसे पूरा कराया जाए, उसके लिए आपकी जिम्मेवारी है। और आज अजय माथा जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर फाइव-स्टार होटलों के अंदर पानी 24 घंटे टैप पे मिल सकता है तो यहाँ राजेंद्र नगर में पानी क्यों नहीं मिल सकता। बिल्कुल जिला कांग्रेस कमेटी के स्तर पे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्तर पे हम लोग बिल्कुल चलेंगे। हमारे अध्यक्ष मदन परवाल जी, बहन आशा गांधी जी, सब मिलकर इस क्षेत्र के अंदर पानी की पूरी समस्या का समाधान का प्रयास करेंगे। आज इतनी दिक्कत आ रही है पिछले एक महीने से, आप ये सोचिए 10-15 मिनट पानी आता है, आप बताइए एक घर का काम क्या 10-15 मिनट पानी से हो सकता है। हमारी जब कांग्रेस का राज था मुझे नहीं लगता कि हमें इतनी पानी की दिक्कत हुई थी। आज तो ये हालत है, 5,000 का टैंकर मंगवाते हैं, वो पहले पूछते जी आप कहाँ हैं, फिर उनको पता लगता हम कांग्रेस ही हैं तो हमें पानी का टैंकर भी नहीं मिलता। सुबह बुक करवाते हैं, शाम को जाके 6 बजे पानी का टैंकर मिलता। बताइए जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, सब कुछ वो कैसे गुजारा करेंगे। पीने का पानी नहीं, बाजार से हम पानी खरीद रहे हैं, बहुत समस्या है। ठीक है कि जहाँ तक हो कहीं पे भी देख लो, कोई भी कॉलोनी में देख लो, पानी की समस्या है। अब पानी की इतनी बड़ी समस्या है कि आदमी खाना के बिना रह सकता है पर पानी के बिना नहीं रह सकता। हर काम पानी से होता है, क्योंकि कौन कौन से काम है जो रोक लेगा वो पानी के बिना। और आज सबसे पहले बात यह है, पहले थे एक एक मंजिल मकान, कि आदमी पानी के आस पास से कहीं से भी लेके नल कुएं से लेके और वो गुजारा कर लेता था। आज 4-5 मंजिल मकान है, कहाँ तक वो पानी लेके ऊपर चढ़ेगा। आज के घुटने इतने जवाब दे दिए हैं लोगों के कि वो खाली नहीं चढ़ सकते तो पानी लेके कहाँ तक चढ़ेंगे। और पानी का ये हालत केजरीवाल जी ये कहते हैं कि मैं दिल्ली सरकार में आने के बाद उन्होंने ये कहा कि मैंने दिल्ली में पानी फ्री कर दिया है। अरे पानी फ्री कहाँ कर दिया, पानी के बिल आ रहे हैं, बिल आ रहे हैं, बिल दे दो तो। जनता ऐसी है कि वो पानी के बिल भर लेगी पर उनको पानी चाहिए, नलकों में पानी आना चाहिए। भाई साहब दिक्कत ये हो गई है कि 2 मोटरें यहाँ UGR में जो चलती थी वो 2 मोटरें खराब है, कभी अपने आप चला देते कभी नहीं चलाते, उसकी मरम्मत तक नहीं कर पा रहे। जो रमाकांत गोस्वामी ने इस क्षेत्र को पानी दिया, आज ऐसी स्थिति आ गई है और पानी का वितरण कोई टाइम नहीं है। किसी भी समय ये मोटर चला देते हैं, किसी भी समय पानी दे देते हैं। 1 घंटा पानी मिलता है, पहले तीन तीन मतलब बार पानी मिलता था लोगों को। आज ये स्थिति आ गई है कि रात को 4 बजे मोटर चल रही है पानी आ रहा है, रात को 3 बजे मोटर चल रही है पानी आ रहा है, लेकिन पानी का कोई समय नहीं है। जब लोग पानी के समय में मोटर चलाते हैं तो पानी आता ही नहीं, और ये कहते हैं कि हम इतना पानी दे रहे हैं कि पानी नहीं आता। और अब हरियाणा हर बार ये मुद्दा कहते हैं और अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि आप लोग प्रदर्शन पानी की टंकी बना करके हरियाणा पहुंच जाके करो, क्योंकि हरियाणा पानी नहीं तिरा। इसके पहले आज 15 साल पहले पानी की कभी दिक्कत नहीं थी। जिम्मेदार है, दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। दिल्ली सरकार पानी का वितरण सही तरीके से नहीं कर रही, अगर सही तरीके से करती तो पानी की कमी नहीं है क्षेत्र में। अगर माफिया को ही पानी बेचा जा रहा है, आप टैंकर मंगा लीजिए, जितने मर्जी पैसे दीजिए टैंकर आएगा, लेकिन आज घरों में पानी नहीं है। मैं तो इसी एक बात का निचोड़ निकाल रहा है, जो कांग्रेस सरकार ने बूस्टर पंप लगाए थे, कम से कम एक केजरीवाल सरकार उन बूस्टर पंपों को, जो 15 साल 10 साल पुराने बूस्टर पंपों के जब मोटर लगी हुई है
अगर वो ही रिपेयर होके और दोबारा लग जाए तो पानी के दिल्ली के अंदर कमी नहीं रहेगी। लेकिन इनके पास इतने टाइम नहीं है कि जो बुस्टअप पंप खराब पड़े हैं, जो मोटर का 20-30 साल पुरानी मोटर लगी हुई थी उनको रिपेयर तक नहीं करवा रहे, तो पानी कहाँ पानी आएगा। जमीन का पानी सदन नीचे हो गया है और आने वाले टाइम पे पूरी दिल्ली के अंदर पानी का वही हाल होगा जो विदेशों में होता है। दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके से वीडियो रिपोर्ट, सच दर्शन। अगर आपको सच दर्शन का यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसके नीचे दिए हुए लाइक बटन को दबाएं और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करें। साथ ही लाल कलर से लिखे हुए सब्सक्राइब को दबाकर हमारे चैनल के सदस्य बनें और नीचे दिए हुए एक बेल को भी दबाएं, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वहीं अगर आपका इस वीडियो के लिए कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। हालांकि यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।